भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलतात. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी, हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, हमारे नार्वेकर जी विधानसभा के अध्यक्ष, श्री आशीष शेलार जी हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के, और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हमारे युवा साथी जिनके साथ आज मुझे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है. मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने आपके सामने महाराष्ट्र की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट में जो कार्य किए हैं उसके बारे में उन्होंने आपको जानकारी दी है और उन्होंने आपको सारी बातें बहुत तफसील से बहुत विस्तृत रूप में बताया. इसमें हमको सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्या है. स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता इसलिए होती है कि देयर इज ऑलवेज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई. वी ऑलवेज से हम हमेशा कहते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन सामने वाला बोलता है कि जो हमारी डिमांड है वो इसमें फुलफिल नहीं होती. सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई. द प्रोवाइडर डज नॉट नो व्हाट इज द डिमांड एंड द पर्सन हु हैज टू एम्प्लॉय ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट व्हाट डज ही वांट. वो चाहता क्या है. ये जो डिस्कनेक्ट है इसको पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है और इस पर जोर देने की जरूरत है. उसी तरीके से अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करें, तो स्किल डेवलपमेंट जब टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करता है तो एक फ्रेमवर्क उसको डेवलप करता है और उस फ्रेमवर्क के लिए आवश्यक होता है कि हम इनोवेटिव हों, एग्जिस्टिंग जॉब्स में अपग्रेडेशन करें और जॉब्स पर फ्यूचर के लिए भी सोचें. आज की आवश्यकता की नहीं, टाइम इज चेंजिंग. आज से 20 साल पहले डिजिटलाइजेशन कहां था, लेकिन आज डिजिटलाइजेशन की दुनिया में भारत एक सबसे आगे खड़ा होकर खड़ा है. तो ये कैसे हुआ है, इसलिए कि फोर्सी किया गया कि अगर डिजिटलाइजेशन होगा तो उस डिजिटलाइजेशन में हमारा युवा कहां खड़ा होगा. तो यू हैव टू फोर्सी और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है. और मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको फोर्सी किया, इसको उनके विजन में ये बात आई और फोर्सी करते हुए पहली बार 2014 में मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये डेवलप हुई और इसको आगे बढ़ाया गया और 2015 में स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया, जिसके तहत आज हम एक मंत्रालय भी देखते हैं और स्किल डेवलपमेंट की चिंता करने वाला भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का हम योजन भी देखते हैं. सो ऑल दिस इज नॉट डन विदाउट एनी थिंकिंग. ये इस तरीके से नहीं होता है कि वन फाइन मॉर्निंग आपने सोचा कि हम स्किल डेवलपमेंट. प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिस्कनेक्ट देखा, प्रधानमंत्री जी ने देखा कि अपग्रेडेशन भी होना चाहिए, फ्यूचर को भी सोचना चाहिए और डिमांड और सप्लाई का डिस्कनेक्ट को कनेक्ट करना चाहिए और इसलिए स्किल इंडिया मिशन को लेकर के हम लोग चाहिए और आज आप सब लोग उसी से जुड़े हैं. स्किल में भी एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको स्किलिंग भी करनी है और स्किलिंग के साथ साथ रीस्किलिंग भी करनी है और रीस्किलिंग के साथ साथ अपस्किलिंग भी करनी है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आज आप स्किल्ड हो गए एंड यू से हम तो सीखे, यहां तो एक कंप्यूटर के और एक मोबाइल के जो एप्लीकेशन है उसमें ही हर नए एडिशन में चेंजेस आ जाते हैं. तो अगर आप बदलती दुनिया के साथ अपनी अपस्किलिंग नहीं करेंगे, अगर बदलती दुनिया के साथ आप उसको रीस्किलिंग नहीं करेंगे,
तो शायद हम पीछे रह जाए। इसलिए स्किलिंग इज एन एप्टीट्यूड, ये पहले हमको समझना पड़ेगा। ये अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है कि आपने कहा कि हो गया आपका तो स्किल्ड हो गया, तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं रखेंगे तो शायद आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए यह आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए और उस एप्टीट्यूड को आपको बढ़ाना चाहिए। और यह सिर्फ यूथ पावर नहीं है, इट इज एम्पावरिंग द नेशन, ये नेशन की एम्पावरिंग है, इसको भी हमको समझना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम इंडिविजुअल, योर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका इंडिविजुअल योगदान बहुत बड़ा है और देश किसी तरीके से इस योगदान को लेकर के चलता है। इसलिए जो आज जहां देश खड़ा है वहां से फ्यूचर की चिंता करना, यह भी आपकी काम है जिसको आप कर रहे हो। मुझे खुशी है कि जहां स्किल डेवलपमेंट ने इंडिया का फ्यूचर देखा है, वहीं डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट ये मोशन और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ ये हर एक सेक्टर में डेवलप करे, इसकी आवश्यकता होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट शुड बी अ डेवलपमेंट विद एन होलिस्टिक अप्रोच। मुझे खुशी है आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 2,88,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स खुद प्रधानमंत्री जी ने लोगों तक दिया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो है, सी द नंबर्स, 13,6,850 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया और जिसमें से 7,89,685 को प्लेसमेंट मिल चुकी है। अगर हम रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देखें तो 44 लाख यूथ्स को, दैट इज, और जिसमें से 66% विमेन है, महिलाएं जिनको की ट्रेनिंग दी गई है, और जिसमें से 31 लाख कैंडिडेट्स हैव बीन सेटल्ड, दे हैव बीन प्लेस्ड। दिस इज द नंबर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 1,10,00,000 को ट्रेन किया गया, 83% हैव बीन सर्टिफाइड एंड 21.4 लाख का प्लेसमेंट हो चुका है। उसी तरीके से नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में 21,40,000 अप्रेंटिसेस को इंगेज किया गया इंडस्ट्रीज में, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप जो है वो 2014 में 700 थे, आज 2022-23 में 90,000 स्टार्टअप्स हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। 4 यूनिकॉर्न्स होते थे स्टार्टअप्स के, आज 100 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स के हैं। ये हमारा स्किल इंडिया का और हमारे देश का एक जो जिसको हम कहते हैं युवा शक्ति है, उसका ये प्रमाण है। उसी तरीके से 23 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन स्टार्टअप्स, यानी स्टार्टअप्स के माध्यम से भी 23 लाख का जॉब्स का ओरिएंटेशन हुआ है। अब जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो महाराष्ट्र सरकार भी पीछे नहीं रही है, और मैं शिंदे साहब को बधाई देना चाहता हूं और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को हाई प्रायोरिटी दी है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अब देखिए, यहां भी आपके यहां भी 2018 में स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई और 16,014 स्टार्टअप्स बाय दिसंबर 2022 महाराष्ट्र में हो गए और 1,60,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ स्टार्टअप से हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, ये मैं महाराष्ट्र के फिगर बता रहा हूं। उसी तरीके से जो महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक है उसमें 500 करोड़ का वेंचर फंडिंग स्टार्टअप में एमएसएमई सेक्टर में किया गया, यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ स्टार्टअप्स को, इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए और एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से उसको बूस्ट करने के लिए दिया। वैसे ही महाराष्ट्र डिफेंस और एरोस्पेस वेंचर के लिए 330 करोड़ का फंड, कॉर्पस फंड, उसको भी डेवलप किया गया। उसी तरीके से महाराष्ट्र सोशल वेंचर फंड में 120 करोड़, बाबा साहब अंबेडकर फंड के लिए, SC ST के लिए 80 करोड़, और उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्राम के लिए एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट को हमारे 13,000 बेनिफिशियरीज को फायदा पहुंचाया गया।
यानी आप देखिए देखिए हाउ द रूलिंग और थिंकिंग से किस तरीके का फर्क होता है। सी द सिनेरियो, आप एक सीन देखिए 2014 से पहले जब कोई चिंता करने वाला नहीं, और आप 2014 के बाद की को देखिए, मैंने आपके सामने कोई भी आंकड़े लाख और करोड़ से नीचे नहीं रखे, यानी लैक्स ऑफ पीपल हैव बीन ट्रेन्ड एंड क्रोर्स हैव बीन ब्रॉट इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ स्किलिंग। इस बात को हमको समझना होगा, दिस इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं केंद्र सरकार को भी, और मैं महाराष्ट्र की सरकार शिंदे सरकार जी को भी बधाई देना चाहता हूं, शिंदे जी को, जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट में यूथ की विशेष चिंता करते हुए इन बातों को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसको आप सब लोग अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं जब युवाओं से बातचीत करता हूं तो ये आंकड़े तो आपके सामने मैंने रख दिया, लेकिन इससे अलग हट करके भी मैं बात करता हूं, और मैं हमेशा इस बात को इस तरीके से रखने का प्रयास करता हूं कि आप सब युवा हैं, कभी भी छोटे टारगेट को अपना टारगेट मत समझो, ऑलवेज लुक फॉर ए बिगर टारगेट। क्या होता है, हम छोटे गोल को पैदा करते हैं और उसके कारण हमारी सोच छोटी हो जाती है। स्काई इज द लिमिट, आसमान हमारी सीमाएं हैं, और बढ़ने की कोई कमी नहीं है, सारी जिंदगी हमको आगे बढ़ना है, इस बात को मन में रखें। जिस दिन आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाओगे, वो समझ लेना कि तुम्हारे डिमिनिशिंग का, आपके समाप्ति का समय आ चुका है। इसलिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, मैं स्टूडेंट से जब चर्चा करता हूं और मैं बच्चों को देखता हूं, तो मैं कई बार कहता हूं कि मैं भी इसी में से बहुत डरे डरे दिखते हैं, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, कल वही होगा जो आज जिसकी हम नींद रखेंगे, इस बात को समझो। इसलिए स्ट्रांग फाउंडेशन की तरफ जाओ, लार्जर टारगेट्स रखो, छोटे टारगेट्स की चिंता तो खुद हो जाएगी, डोंट थिंक फॉर इट, और किसी और से मूल्यांकन मत कराओ, सेल्फ असेसमेंट करो, डोंट लुक फॉर सर्टिफिकेट्स, मैन इज टू स्मॉल टू गिव अ सर्टिफिकेट, कोई किसी को सर्टिफिकेट दे बहुत छोटा है, अपने आप से अपना मूल्यांकन करो, अपने आप से तय करो कि हम बेटर कैसे हो सकते हैं, हमने जो कल किया उससे हम आज अच्छे कैसे हो सकते हैं, हाउ आई कैन बेटर परफॉर्म, और हमेशा ध्यान में रखिएगा देयर इज ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप, हमेशा ऊपर एक जगह है, उस जगह को भरने की ताकत हमारे में है कि नहीं। इसलिए मैं युवाओं से जब चर्चा करता हूं तो मैं उनको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता हूं। मैं देखता था जब मैं स्टूडेंट था, आज चर्चा चली है तो मैं आपको सामने कुछ अपने सेल्फ के एक्सपीरियंस, मैं देखता था हमारे मित्र साथी कभी भी मार्कशीट जब लगती थी तो अपने मार्क्स नहीं देखते थे, उसको कितना आया, उसको कितना, इसका मतलब समझ जाओ कि यू आर नॉट लुकिंग टूवर्ड योर सेल्फ, यू हैव गॉट समथिंग एल्स टू सी। यह अपने आप में समझ जाइए कि आपने अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोक दिया है। हमेशा देखना है तो अपने को देखो और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सोचो, और मैं जुड़ी सकता हूं। हमारे दिमाग में भरा होता है उसका अरे उसका उसको मुबारक, तुम्हें तुम्हारा मुबारक। इसलिए क्या होता है कि साधना में कमजोरी आती है, लक्ष्य के प्रति हम डेविएट कर जाते हैं। मैं आप सबसे युवाओं से बोलता हूं, देखिए मैंने गांधी जी के वर्ड्स, डोंट लिव लाइक ए कावर्ड, कायरों की तरह नहीं जीना है, बुलंदी से खुल के जीना है, ये बार बार जीवन नहीं मिलता। इसलिए मैं युवाओं को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता हूं, स्काई इज द लिमिट, आसमान हमारी सीमा है, प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का तय किया है, वातावरण दिया जा रहा है, वातावरण का उपयोग करना हमारी जिम्मेवारी है, अपने से अपनी असेसमेंट करते हुए आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है, जीवन भर अपना इंप्रूवमेंट करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये सब आप करते रहोगे तो आप
देश के लिए उपयोगी भी बनोगे और देश को भी आगे ले जाओगे और खुद तो बढ़ोगे बढ़ोगे। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत लंबे समय बाद युवा मिले थे तो मैं भी युवाओं में लंबे समय रहा हूं, तो मैंने कुछ बातें सोची तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर लूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के युवाओं को पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसको भरिए। देवेंद्र जी ने भी आज सवेरे आप सबको शुभकामनाएं भेजी हैं, उनकी भी शुभकामनाएं आप तक पहुंचे, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आयोजक मंगल प्रभात लोढ़ा जी को धन्यवाद देता हूँ। ये भी बड़े लगन से लगे रहते हैं और पूरी काम तन्मयता से करते हैं, दिखते शांत है लेकिन अंदर से पूरी ताकत से विषय को आगे। आप सब लोगों ने आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।